भारत भवन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे खूबसूरत शहर, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। यहाँ पे जितना खूबसूरत ये शहर है ना, उतना ही आरामदायक यहाँ का वातावरण है। यहाँ पर चाय के बागान तो इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। जी हाँ, आज हम लेकर चलेंगे आपको पालमपुर के शहर चाय के बागानों में सैर कराने के लिए। एक ऐसा खूबसूरत शहर पालमपुर, जहाँ पर हिमाचल की वादियों में चाय उगाई जाती है। चाय के बागान का वास्तविक अनुभव करने के लिए आपको यहाँ का रुख करना ही पड़ेगा। पहाड़ों पर गोल गोल घूमती सड़कें और सड़क के किनारे बड़े विशाल चाय के बागान आपके दिल को चुरा लेंगे, जो अपनी खूबसूरत नज़ारों और बसीनी चाय की खुशबू से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इन चाय के बागानों में यहाँ आने वाले दर्शकों को विशाल फूलों की खुशबू और विविधता के साथ साथ बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालमपुर के इन चाय के बागानों के अलावा यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। इस शिव मंदिर की पौराणिक कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भगवान शिव ने किस प्रकार चमत्कार करके अपने तप की शक्ति से हर विघ्न को दूर कर दिया। यहाँ आने वाले शिव भक्त को भगवान शिव की एक अद्भुत कथा सुनाई जाती है। यह शिव मंदिर बनेर दरिया के किनारे स्थित है और यहाँ की एक पौराणिक कथा है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कथा के अनुसार पालमपुर के इस मंदिर में भगवान शिव ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से परेशान एक भयानक राक्षस ने उनकी साधना को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा पत्थर, यानी कि एक बहुत बड़ी शिला शिव भगवान के ऊपर फेंक दी। उस पत्थर को शिव भगवान ने अपने तप से हवा में ही लटका दिया। जी हाँ, ये एक ऐसी कथा है जिसे यहाँ के मंदिर के पुजारी हमें सुनाते हैं। श्री चामुंडा नंदी किशोर धाम, चामुंडा नाम माता का है, नाम शंकर भगवान जी का है जी। ना ये माता की मूर्ति स्थापना, ना ये शिवलिंग स्थापना है, दोनों ही स्वयं है। लेकिन जिस वक्त चंड और मुंडा राक्षसों का वध हुआ था, तो सभी देवी देवताओं ने इस स्थान का नाम रखा था श्री चामुंडा नंदी किशोर धाम। चामुंडा जी ऊपर है, नंदी किशोर महादेव स्वयं अपने आप निकले। यहाँ पे एक पत्थर को लेकर ये राक्षस ने फेंका, शंकर भगवान जी आपकी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस ने एक पत्थर को मारा था। राक्षस का संहार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने राक्षस को वरदान दिया था, तुझे कि आज से मरा हुआ शव मिलेगा, जीता जो है नहीं मिलेगा। तब से यहाँ ऐसी पता चली आई, हर रोज एक मुर्दा आता है, ऐसा बीच में हो जाए एक दिन नहीं आए तो दूसरे दिन दो हो जाते हैं। तो राक्षस को बलि के रूप में वो मुर्दा बलि मिलती है। अच्छा, तो जिस ये हवा में किसी समय कहते थे ये हैंगिंग रॉक था, ये हैंगिंग रॉक, हाँ, ये दीवारें वगैरह बाद में लगाई गई जब रेनोवेट हुआ मंदिर, तब लगाई गई। तो ये शिव जी ने रोक दिया था हवा में, ऐसा बोला जाता है। कितने साल पुराना होगा ये? द्वापर युग से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुशवाहा। संजीव, और यहाँ से पे ही पुजारी आ रहे हैं, आपसे बारी आपकी पीढ़ी है, हमारे ये चौथी पीढ़ी चल रही है हमारे यहाँ सेवा। इस पावन स्थल पर भक्तजन देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और यहाँ की खूबसूरती में रम जाते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों के चेहरों पर खुशी के अलावा यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भगवान शिव की आराधना का भाव भी दिखाई देता है। तो यह था पालमपुर के शिव मंदिर की पौराणिक कथा और यहाँ के मनमोहक चाय के बागानों की इस अद्भुत स्थल की कहानी। और इस अद्भुत स्थल पर आकर आप भी भगवान शिव की कृपा और शक्ति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए पालमपुर पहुंच सकते हैं। पालमपुर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कांगड़ा तक का सफ़र तय करना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर आप पालमपुर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर आसपास के इलाकों में भी घूम सकते हैं। पालमपुर से सटी ही लगता है धर्मशाला, जहां पर आप रोप वे का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ धर्मशाला के स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड फेमस है, उसका भी आनंद उठा सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और भारत भ्रमण में आज इतना ही। अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे पालमपुर की चामुंडा देवी के मंदिर और धर्मशाला के स्टेडियम की सैर पर। तो दीजिए विदा, धन्यवाद।